आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है ये है सीमेंट प्लास्टर और हार्ड फिनिश प्लास्टर, दो टॉपिक हैं। सीमेंट प्लास्टर सबसे पहले सीमेंट प्लास्टर देख रहे थे, हार्ड फिनिश प्लास्टर सेकंड नंबर पे देखेंगे। सीमेंट प्लास्टर की बात करें ना, ये लड़कों को ज्यादा पता होता है इस चीज का कि सीमेंट प्लास्टर क्या होता है। ग्लू कभी देखी है? वो ना जब लकड़ी वगैरह के अंदर वो सुराख वगैरह बन जाता है, ये अमूमन यूज करते हैं फर्नीचर वगैरह वाले। जो लड़के होते हैं वो बैट वगैरह को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जो ग्लू होती है वो उसको हम सीमेंट प्लास्टर कह रहे हैं। तो ये उसके अंदर क्या करता है, ऑयल या फिर कोई ग्लू वगैरह ऐड करके सीमेंट के अंदर उसको लगा देते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, उसको हम सीमेंट प्लास्टर कहते हैं। और क्या कहता है कि यानी कि उसका हम ग्लू या फिर जो ऑयल वगैरह होता है उसके अंदर प्लास्टर के अंदर क्यों ऐड कर रहे होते हैं, ताकि उसका टाइम ऑफ सेटिंग, ये जमने का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाए। इतनी जल्दी वो सेट नहीं होगा, इतनी जल्दी वो जमेगा नहीं। यही हमारे पास सिर्फ दो लाइनें हैं, दो लाइनें भी नहीं बल्कि एक ही लाइन है सीमेंट प्लास्टर के अंदर, लेकिन हार्ड फिनिश प्लास्टर काफी ज्यादा एक्सप्लेन करता है। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, हार्ड फिनिश प्लास्टर में से ज्यादा आते हैं। इसमें से मैं भी एक शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीमेंट प्लास्टर एंड हार्ड फिनिश प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर वाली डेढ़ लाइन इस साइड भी लिखेगा, हार्ड फिनिश प्लास्टर वाली काफी ज्यादा चीजें हैं, उसमें एक या दो लाइनें दूसरी साइड पे लिखें, काम आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हार्ड फिनिश प्लास्टर है उसमें स्पेशल भी क्वेश्चन आते हैं, नीचे जाके आएगा एक क्वेश्चन, वो बहुत ज्यादा दफा आ चुका है पास पेपर में, वो भी देख लेंगे। चले सीमेंट प्लास्टर की बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वी एडिड, हम इसमें दाखिल कर देते हैं, वी एडिड ग्लू और ऑयल। इसके अंदर हम ग्लू या फिर ऑयल ऐड करते हैं टू रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब क्या होता है? रिटार्ड का मतलब क्या है? रिटार्ड यानी किसी चीज को रोकना, मुजाहमत पेश करना, सही है? या फिर टू रिटार्ड द टाइम ऑफ सेटिंग, द टाइम ऑफ सेटिंग, टाइम ऑफ सेटिंग को रिटार्ड करने के लिए हम इसके अंदर ग्लू या फिर ऑयल वगैरह ऐड करते हैं। ये हमारे पास सीमेंट प्लास्टर है। अब बाकी जो है सेकंड नंबर पे हार्ड फिनिश प्लास्टर, वो काफी बड़ा है, हार्ड फिनिश प्लास्टर, फिनिश प्लास्टर। अब मैं इसका पहले यूज बता दूं कि हार्ड फिनिश प्लास्टर है कहाँ पे यूज हो रहा है। आपने वो बड़े बड़े तख्ते देखे, जैसे ये व्हाइट बोर्ड बना हुआ है ना, पीछे एक वो लकड़ी का बना हुआ है तख्ता सा, असल में ये लकड़ी नहीं होती, ये जो आरे वगैरह होता है ना, वहां पे जो भूरा होता है उस भूरे को इकट्ठा करते, ये सारा देख लीजिए, सारा भूरा ही है। अब इसके अंदर एक ग्लू ऐड करते हैं, ग्लू डाई, वो वाला चीज हमारे पास हार्ड फिनिश प्लास्टर है। ये हार्ड फिनिश प्लास्टर। अब हार्ड फिनिश प्लास्टर बनता किस तरह है, वो कहता है आपने एनहाइड्रस सल्फेट लेना है। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का हमने, क्योंकि ये वाला टॉपिक रिलेट कर रहा है रोल ऑफ जिप्सम से, रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री, और हमने कहा था जिप्सम का फार्मूला ये होता है Ca(SO4.2H2O), ऐसा ही है। और मैंने कहा था कि अगर ये वाले दोनों के दोनों वाटर के मॉलिक्यूल यहां से निकाल दूं, वाटर के मॉलिक्यूल निकालूंगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Ca(SO4), ये किस तरह बनेगा, हीट करने से। और हमने इसको डेड बर्न्ड भी कहा था, और इसको हम एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब समझिएगा, ये आगे जाकर भी काफी ज्यादा टर्म यूज होनी है, एनहाइड्रस। एन मतलब यानी कि हाइड्रस का आपको पता है वाटर के रिलेटेड हाइड्रेट वर्ड आ जाए, हाइड्रस वर्ड आ जाए, ये चीजें वर्ड्स रिलेटेड है वाटर से। एनहाइड्रस जिसके अंदर वाटर ना हो, बिल्कुल खुश्क हो, उसको हम एनहाइड्रस कहते हैं। कहते हैं एनहाइड्रस ये वाली चीज आपने लेनी है, इस चीज के अंदर आपने अलम, ये अलम एक वर्ड है, अलम कहते हैं फटकड़ी को, सही है? किसको कहते हैं? फटकड़ी को कहते हैं। ये वाली चीज आपने इसके अंदर ऐड करनी है, ऐड करने के बाद ये वाली चीज ऐड कर लें, या फिर बोरैक्स, एक वर्ड यूज किया गया है बोरैक्स। बोरैक्स का फॉर्मूला होता है Na2B2O7, ये हमारे पास बोरैक्स का फॉर्मूला होता है। ये आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर अच्छे तरीके से, वहां पे ये फॉर्मूला लाजमी याद करवाते हैं,
बोरेक्स का फार्मूला क्या है, ये चैप्टर नंबर नेक्स्ट में आ जाएगा। लेकिन ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि अलम क्या होता है, अलम पटकड़ी को कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस सल्फेट से क्या मुराद है। एनहाइड्रस सल्फेट से मुराद ये है कि अगर जिप्सम के अंदर से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया जाए, कहता आपने इन सारी चीजों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमारे पास जो चीज बनेगी वो हार्ड फिनिश प्लास्टर होगा। ये तीन चार चीजें आप ऐड करें, तीन चीजें आपके पास हार्ड फिनिश प्लास्टर प्रिपेयर हो जाएगा। चले इसको भी लिखें, व्हेन वी एड, जब हम दाखिल करते हैं, व्हेन वी एड बोरेक्स, बोरेक्स को और अलम, वालेकुम सलाम, अलम विद एनहाइड्रस जिप्सम, एनहाइड्रस जिप्सम, एनहाइड्रस जिप्सम में जब ये वाली चीजें ऐड की जाती है, एट फॉर्म हार्ड फिनिश प्लास्टर, एट फॉर्म, और ये चीजें बना देती है, एट फॉर्म हार्ड फिनिश प्लास्टर, फिनिश प्लास्टर। सही, पहली बात आपने यही याद रखनी है कि हार्ड फिनिश प्लास्टर बनता किस तरह है। सही है, अब सेकंड नंबर पे आपने आ जाना, इसका यूज कहां पे हो रहा है। यूज मैंने अभी बता दिया कि ये जो बोर्ड वगैरह बनाने में इस्तेमाल, ये देखें ये बोर्ड है, बोर्ड वगैरह बनाने में, और ये बोर्ड कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं, इसको बाज दफा कहता है कि वॉल वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, दीवारें, मतलब आप कभी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, वहां पे दीवारें दरमियान के अंदर इस तरह की लगी होती है। एक तो ये जो साइडों पे होती है, जो पार्टीशन करनी होती है ना, वो ये वाले दीवारें वगैरह यूज करते हैं। अब इसको हम यूज कर रहे होते हैं हार्ड फिनिश प्लास्टर को दीवारें वगैरह बनाने के लिए या फिर बोर्ड वगैरह बनाने के लिए। किस तरह बनाते हैं, वो बोरा वगैरह इकट्ठा करके उसके अंदर मिलाते हैं, मिलाने के बाद इसको शेप दे देते हैं, कुछ अर्से के बाद, थोड़ी देर के बाद ये सेट हो जाता है, यानी कि ये सख्त हो जाता है, सख्त होने के बाद हम कहते हैं ये वाली चीज हमारे पास प्रिपेयर हो गई है, हार्ड फिनिश प्लास्टर। अब यही बात इसका यूज लिखें, हार्ड फिनिश प्लास्टर को यूज कहां पे किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इसको इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए, फॉर मेकिंग बोर्ड्स एंड वॉल्स। बस इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, एक जो अमूमन हम सीमेंट यूज करते हैं, वो भी हम तकरीबन हार्ड फिनिश प्लास्टर के अंदर यूज कर रहे होते हैं, सीमेंट जो ये वाले दीवारों के अंदर हुआ है। सही, वो कहता है बनता किस तरह है, पहले उसका बनने का तरीकाकार बता रहा है, बनने का तरीकाकार के बाद वो बताता है कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये नॉर्मल सीमेंट की बात कर रहे हैं आप, ये ग्लू वगैरह किसी भी चीज की नहीं बात करेगा, नॉर्मल सीमेंट की बात करेगा, ये बनता किस तरह है, बनने के बाद इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, और इसके अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देखें, कहता है कि ये आप पूरे का पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 16 आई थिंक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, वहां पे पूरे का पूरा सीमेंट बनने का प्रोसीजर बताया हुआ है। मैं सिर्फ सिंपल सिंपल बातें बता देता हूँ। कहता है आपने क्या करना है, सीमेंट बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, सैंड, और इसके अलावा बोरेक्स वगैरह को, बोरेक्स भी ऐड करते हैं, मुख्तलिफ कम से कम कोई 7-8 कंपोनेंट है, 7-8 कंपोनेंट को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इन सबको हीट करना है। हीट करने के बाद ये बन जाती है इस तरह गोली गोली सी, जैसे हम हीट करते हैं ये छोटे छोटे वो बेंटर ही होते हैं, जिस तरह उस तरह के बन जाते हैं। अब इस चीज को हम क्लिंकर कह रहे होते हैं, ये नाम याद रखिएगा, ये क्या चीज है, क्लिंकर। बाद में हम इसको क्या करते हैं, ग्राइंड, क्या करेंगे इसको, ग्राइंड करेंगे, यही असल में सीमेंट है, इसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने के बाद ये हमारे पास सीमेंट तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, ग्राइंड करने के दौरान ही जिप्सम ऐड करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जिप्सम का रोल, सही है, जिप्सम का रोल पढ़ रहे हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, तो जिप्सम यहां पे हम ऐड करते हैं। ऐड करने का मकसद क्या होता है, कहते अगर आप इसको डायरेक्ट ऐड किए बगैर ही ये बना दें और बाद में इसको यूज करें, तो ये तकरीबन 5 या 10 मिनट के बाद सख्त हो जाएगा, ये सीमेंट क्या हो जाएगा, सख्त होना शुरू हो जाएगा। अब देखें, हमने जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो सुबह से बनाते हैं, वो सारा दिन यूज करते हैं, तकरीबन 12-13 घंटे तो यूज करते हैं सुबह का बना हुआ सीमेंट। अब अगर 10-15 मिनट के अंदर ही सख्त हो जाए तो फायदा हमें इस चीज का नुकसान होगा, बल्कि फायदा तो कोई भी नहीं है, नुकसान होगा।
अब हम क्या करते हैं, जिप्सम इसका सिर्फ टाइम ऑफ सेटिंग इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? जिप्सम इसका टाइम ऑफ सेटिंग इंक्रीज कर देगा। यही शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट, कि जिप्सम का सीमेंट बनाने में क्या रोल है। यही बात हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। ये सारे के सारा प्रोसीजर बता के बाद में ये वाली चीज बताता है कि जिप्सम का रोल है ये टाइम ऑफ सेटिंग। ये वर्ड लाजमी लाजमी लिखना है कि टाइम ऑफ सेटिंग को इंक्रीज कर देता है, कि उसके जमने का वक्त बढ़ा देगा थोड़ा सा। चले अब ये वाली सारी की सारी चीजें लिखने लगे। वी मिक्स्ड लाइम, इसको हम लाइम कहते हैं, ऐसा ही है, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम है, लाइम सैंड एंड बोरैक्स। ये वाला बहुत कम होता है, ये वाली चीज बहुत कम माइनॉरिटी में होती है, सही। यहाँ पे आप अलम भी लिख सकते हैं, मट्टी वगैरह सैंड के साथ, सही है। अबल के बोरैक्स से लिखा रहने दें, बोरैक्स एंड हीटेड इट, एंड हीट एट, हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं एंड देन, और इसके बाद क्या होता है, एंड देन इट चेंज, एंड देन इट चेंज, और ये बदल जाता है, इट चेंज इनटू स्मॉल बॉल्स, ये छोटी छोटी बॉल्स में बदल जाता है, ये वाली चीज में, जिसको हम क्या कह रहे थे, स्मॉल बॉल्स विच इज नोन एज, विच इज नोन एज, जिसको हम क्लिंकर कह रहे होते हैं, विच इज नोन एज क्लिंकर। ये वाला वर्ड भी याद रखिएगा, एंड वी मिक्स्ड, या एंड वी मिक्स्ड, और हम ऐड करते हैं 2% ऑफ जिप्सम, 2% ऑफ जिप्सम टू फॉर्म सीमेंट, कि जिस तरह हम ग्राइंड करेंगे सीमेंट बनाएंगे, इससे इस टाइम हमने 2% तकरीबन जिप्सम ऐड कर देना है। अब क्वेश्चन लिखे जो आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम, इस तरह भी आ सकता है, या व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट, व्हाई वी ऐड 2% जिप्सम, 2%, ये असल में आता है क्वेश्चन, 2% जिप्सम इन सीमेंट, कि सीमेंट के अंदर हम 2% जिप्सम क्यों ऐड कर रहे होते हैं। यही बात यहां पे लिखे, सिर्फ वर्ड एक ही है, दो तीन, एक वर्ड है टाइम ऑफ सेटिंग को इंक्रीज करने के लिए, बस बात खत्म हो जानी है। वी ऐड 2% जिप्सम, और 2% जिप्सम को ऐड कर रहे होते हैं इन सीमेंट, सीमेंट में, टू इंक्रीज द टाइम ऑफ सेटिंग, टू इंक्रीज the time of setting को बढ़ाने के लिए। बस ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी दफा आ चुका है, ये बात याद रखिए, आपके एक्सरसाइज में भी मौजूद है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, सही, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपके बुक के एक्सरसाइज में भी मौजूद है, व्हाई वी ऐड 2% जिप्सम इन सीमेंट। चले ये वाला हो गया खत्म।